हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी दोस्तों WCL की तरफ से एक नोटिफिकेशन यहां पर निकाला गया है, जिसमें कि दोस्तों ये आपको यहां पर ट्रेड अप्रेंटिस जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग WCL प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें पर मंथ जो है इनकी तरफ से आपको कुछ खर्चा भी दिया जाता है दोस्तों, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टाइपेंड कहते हैं। तो ये पर मंथ जो है आपको उनकी तरफ से मिलेगा दोस्तों, WCL की तरफ से मिलेगा, और ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग में, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप WCL से अपनी अप्रेंटिस करेंगे, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराना होगा, जिसके लिए यहाँ पर डेट स्टार्ट होगी 1 सितंबर 2023 से, यानी 1 सितंबर 2023 के बाद आप यहां पर ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए WCL में ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। नीचे आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, फॉर ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए नीचे आप देख सकते हो ट्रेड दिया गया है, और ट्रेड वाइज फिर दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज आगे रखी गई है। जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में अगर आपने ITI किया है तो टोटल 224 वैकेंसी यहां पर निकाली हैं, जिनको यहां पर एरिया वाइज जो है डिवाइड किया है। जैसे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि WCL भालरपुर एरिया के लिए इन्होंने 30 वैकेंसी रखी हैं, इस तरीके से नागपुर एरिया के लिए 34 वैकेंसी हैं, पेंच एरिया के लिए 26 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से इन 224 वैकेंसीज को इन्होंने यहाँ पर एरिया वाइज डिवाइड किया है दोस्तों। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, फिटर की वैकेंसी हैं 222 टोटल, इलेक्ट्रिशियन की हैं 225 टोटल वैकेंसीज, ठीक है। इस तरीके से वेल्डर की भी वैकेंसी है, सर्वेयर की भी वैकेंसी है, मैकेनिक की भी वैकेंसी है, वायरमैन की भी वैकेंसी निकाली है, ड्राफ्टमैन सिविल की भी यहाँ पर वैकेंसी है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, टर्नर की वैकेंसी निकाली गई है, मैकेनिस्ट की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, या फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, तो 815 जो हैं टोटल सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके ITI में जितने भी चाहे मार्क्स हों दोस्तों, आप यहां पर अप्लाई कर लीजिए। मेरिट बेसिस पर यहां पर आपकी सिलेक्शन होगी, मतलब कितने परसेंट मार्क्स आपके ITI में आए हुए हैं उस बेसिस पर यहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके जितने भी परसेंट मार्क्स आए हैं, आप एटलीस्ट दोस्तों एक बार अप्लाई कर लीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाता है दोस्तों अप्लाई करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस की यहाँ पर 60 वैकेंसी निकाली हैं, जिनको सेम इसी तरीके से एरिया वाइज डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए, अगर आपने 10th पास भी किया है, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप विलिंग हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए WCL में, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना होगा, जिसके लिए आपको दोस्तों WCL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि है www.westerncoal.in। तो इस वाली वेबसाइट पर आपको 1 सितंबर से जाना है। 1 सितंबर से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जो आपने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ITI किया है, ये दोस्तों NCVT से या SCVT से किया होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में आपका ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिशियन में ITI किया है, तो आगे दिया है कि ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, जो कि NCVT से एक्रेडिटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी NCVT से आपने किया होना चाहिए, इस तरीके से ये लिखा है इन्होंने।
सेम यहाँ पर ट्रेड वाइज आगे आप देख सकते हो कि किससे आपने किया होना चाहिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी है। और नीचे यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपके पास 10th जो है होना चाहिए, यानी अगर 10th पास आप हैं या फिर इससे ज़्यादा की भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो मिनिमम जो है आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर्स अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर रखी गई है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर इससे ज़्यादा भी आपकी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। सेम यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कि ये जो यहाँ पर मैक्सिमम एज 25 इयर्स रखी है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। एससी और एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है और 3 इयर्स का अदर यानी बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी में जो आते हैं उनको 3 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मंथली आपको इनकी तरफ से कुछ खर्चा भी दिया जाता है दोस्तों, कुछ पैसे भी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलते हैं जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो 1 ईयर की अगर आपने ITI की है तो 7,700 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा और 2 साल की अगर आपने ITI की है तो 8,050 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर हैं यानी 10th पास हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या 10th पास से ज़्यादा भी हैं, फ्रेशर हैं अभी, तो 6,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर मिलेगा और 1 साल की ट्रेनिंग भी आपको करने का मौका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि 12 मंथ्स की ये ट्रेनिंग जो है यहाँ पर रहेगी। और नीचे यहाँ पर जो है दोस्तों डेट लिखी है कि कब से आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर यहाँ पर देखिए, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 सितंबर 2023 सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 16 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप यहां पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।